पंजाबी स्पीकिंग स्टेट क्रिएट नहीं की। एक दूजी डिस्क्रिमिनेशन है, वो क्यों नहीं क्रिएट की थी? इंदिरा गांधी की किताब है माई ट्रुथ, उसने भी मैं इसके हवाले देते हैं। देखो गल ये है, कोई भी जो तुम कोई काम करते हो एकेडमिक लिखण पढ़ने का काम, अपनी वो गल कहते रहो, अपने साधना तो गल कहते रहो, उसका कोई मुल नहीं होगा। गल जे कोख के रिसर्च करके दूसरे के सोर्स चो कट के लियाओ फिर उसका मुल पड़ेगा। माई ट्रुथ उसकी किताब है इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, तो उसके विच उसने लिखा माई फादर विद ऑल द माइट एट हिज कमांड अपोज द क्रिएशन ऑफ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बिकॉज थ्रू दैट द सिक्स विल हैव ए मेजोरिटी एरिया एंड द फेट ऑफ द हिंदूज वुड इन पंजाब बिकम सबॉर्डिनेट टू दैट। हुण मैं इहदा ट्रांसलेशन, इंदिरा गांधी कहिंदी कि मेरे पिता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुत ताकतवर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सी, पहला प्राइम मिनिस्टर सी, कि पंजाबी स्पीकिंग स्टेट दी क्रिएशन दी मुखालफत सारी ताकत दे नाल कीती, इस करके कीती कि इस खिते विच बॉर्डर दे विच सिख मेजोरिटी एरिया ना बन जाए, और जे सिख मेजोरिटी एरिया बन गया तो इत्थों दे जिहड़े हिंदू आ उह उहनां दे अधीन हो जाए। उसने इन्नी तंग दिली वाली गल जी सैकुलरिज्म कहते जे फिर प्ले होगा जे इंसाफ होगा सब उस इंसाफ का आप ही पर्दाफाश कर हिंदी ठोस दिखी सारे हिंदुस्तान और आ दूजी गल जी घातक गल सी खास तौर पर सिखा नुकता बना के सिखा ऑब्जेक्टिव बना के ये गल कही गई। एक पॉलिसी दी अनफोल्डिंग है, एक पॉलिसी खुल रही है, किस प्रति खुल रही है? सिखा प्रति खुल रही है और उन्होंने लफ्जों में खुल रही है। इस तो पहला एक किताब लिखने तो पहला पंडित नेहरू ने एक टाइम्स न्यूज़पेपर लंदन का बहुत मशहूर उसने एक इंटरव्यू दी थी, उस दे विच भी उसने कहा सी के पंजाबी स्पीकिंग स्टेट क्रिएट कर लई जे मैं हिंदुस्तान सिविल वार नहीं करनी पई मैं उहदे लई तैयार। इतना प्रेजुडिस सी सिखा दे खिलाफ, इतना बायस सी सिखा दे खिलाफ, सिखी दे खिलाफ, जिहनूं मतलब तुसीं एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो किताबां पढ़ो फिर तुहानूं थोड़ी जी समझ आउंदी और सिखां दा वास्ता किस कौम नाल पै गया, किन्हां लोकां नाल पै गया। उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी लई एक तुरका लहू नहीं बहाया, एक तुरका लहू नहीं बहाया और पाकिस्तान बन गया। जनाह साहब एक दिन जेल नहीं गए। माफ करना, मैं अपने भरावान भैणों नूं समझाउणा चाहुंदा, जिन्नी देर तुसीं पढ़दे नहीं लिखदे नहीं गल नूं समझदे नहीं नैगोशिएशन टेबल ते आके गल नहीं कर सकते, तुहाडा इस दुनिया विच जिहड़ी मॉडर्न वर्ल्ड है तुहाडा कुछ नहीं बणदा। कहानी सुना कोई कहता भी सिखा धोखा हो गया, कोई दूजा कहता सिख बेवकू सी क्यों धोखा करता, सिख स्टूपिड सी। सरदार कपूर सिंह का तुम नाम सुनिया होगा, आईसीएस कपूर सिंह जो बड़े मशहूर सिख स्कॉलर भी हुए हैं, उन्होंने एक पैंफलेट है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਸਟੂਪਿਡ ਸਿਕਸ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਟ ਹੈਜ਼ ਹੀ ਡਨ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਟੂਪਿਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। 1965 'ਚ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਹੋਈ,
याद होगा उस वेले पंजाबी स्पीकिंग स्टेट ने पंजाबी सूबे ने एक बहुत वड्डा एजुकेशन चल रहा सी मोर चल गया सी पंजाब दे विच लखां दी तादाद दे विच लोकां ने यानी गिरफ्तारियां दित्तियां सी जेलां च बैठे सी जदों 1965 दी इंडो पाकिस्तान लड़ाई हुई तां उसे वेले सवाल उठा भी सिख की करन दुनिया दी निगाहां सिखां दे उत्ते रही सिख बैठे बॉर्डर के उत्ते और बॉर्डर बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि सिखा की जी टेरिटरी है ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल सिचुएशन है डेमोग्राफिक सिचुएशन है उस तो अगर कश्मीर आऊंगा तो उत्थे एक सवाल पैदा होया भी हम देखिए सिख की कर दिया तो सिखा ने उस वेले ऐलान कर दिता भी असी मोर्चा अपना वापस ले असी हिंदुस्तान की रक्षा लई तन मन ते तन नाल समर्पित दुनिया के इतिहास में जे कदे होया होवे मैनू याद नहीं मैं इतिहास का ही विद्यार्थी हाँ जिन्नी सेवा जिन्नी कुर्बानी सिख सिविलियन पापुलेशन ने की फौज नालों कितने वध जिहड़ी फौज बॉर्डर के उत्ते लड़ रही सी उस फौज नू रोटियां बना के साग बना के दही लैके मक्खन लैके दुध लैके खीर लैके परौंठे लैके उत्थे जाके बॉर्डर के उत्ते जिहड़ा कि बड़ा डेंजरस हुंदा उत्थे जाके उन्हां सोल्जर दी सिपाहियां दी सेवा की उन्होंने अपना धर्म मन लिया भी हिंदुस्तान की रक्षा करना साडा ही फर्ज ये गल ने कुछ हिरदे हिंदुओं के हिंदू ने जिन्हां विचों एक मिस्टर कामराज सिंह जी उसका नाम सुनिया होना तुसी ओ उस वेले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेजिडेंट बने सी बड़े मशहूर लीडर सी तमिलनाडु दे उन्होंने तो इंग्लिश हिंदी नहीं सी बोलदे उन्होंने समझ आई की हो रहा है की सिख मांग रहे हैं सिख इस मुल्क दे विच इस मुल्क दे अधीन अपना एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट मांगते हैं उत्थे जे सिखां दी मेजोरिटी की हो जाए की होना जिहड़े इन्ने लॉयल है इन्ने सिंसियर है इन्ने कमिटेड है हिंदुस्तान की इंटैग्रिटी दे लई तां लाल बहादुर शास्त्री उस वेले हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सी उन्होंने कामराज का बहुत बड़ा दबदबा सी नेहरू मर चुका सी तो उसने एक लाइन का रेजोल्यूशन लिया सो मेरी उस सारी किताब चुका है वो की रेजोल्यूशन सी दैट द पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बी कार्ड आउट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ पंजाब मैं उसका ट्रांसलेशन के जेड़ी ये मौजूदा पंजाब की स्टेट आ इहदे विचों पंजाबी स्पीकिंग स्टेट तुसी डिमार्केट करो कोई हरियाणे का लफ्ज़ नहीं उहदे विच कोई हिमाचल का लफ्ज़ नहीं जिहड़ा पहला रेजोल्यूशन आ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ले लेकिन बहुत चालाकी दे नाल बहुत चुस्ती दे नाल हरियाणा दे विच पा दित्ता हिमाचल नूं भी उन्हां नूं भी स्टेट दा उन्हां दा विच पा दित्ता झगड़ा सवाल इह सी पंजाब एजिटेशन चल रही सी पंजाबी स्पीकिंग स्टेट दी हरियाणा दे कदे नामो निशान नहीं हरियाणा हिंदी स्पीकिंग स्टेट आ दूसरे पासे यूपी नाल मलाई जा सकदी सी हिमाचल नाल मलाई जा सकदी सी तो खैर एनी उस दे नाल इन्हां ने एक 1961 ते 1953 दीआं मरदमशुमारियां सी पंजाब विच ओ मरदमशुमारियां जिहड़ियां होईआं ओ पंडित नेहरू दे इशारे दे उत्ते कम्युनल सी ओ की सी के पंजाब दे हिंदू अपनी मातृ भाषा नूं छड्ड के ओ अपनी जबान लिखाउण हिंदी बोलदे ओ पंजाबी ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਚਲਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸ਼ੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ
क्योंकि